हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। गाइस, मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कक्षा 12 का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है जीवों में जनन। उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, अब उसके हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5 से लेकर 10वें क्वेश्चन तक को हल किया। आज जो हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है वह है, प्रत्येक पुष्पी पादप के भाग को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। तो गाइस, यहां पर लिखा गया क्वेश्चन में क वाला अंडा से, फिर पराकोष, फिर अंडा या डिम, फिर पराकर्ण, नर युग्मक, युग्मनज। तो गाइस, आइए हम लोग इसे लिखते हैं। तो जो पुष्पी पादप में अंडाशय होता है यह द्विगुणित होता है, यह द्विगुणित होता है, द्विगुणित हुआ पोलरिटी 2n हुई। और जो पराग कोष भी होता है यह द्विगुणित होता है, जो पराकर्ण होता है यह एक गुणित होता है। तो पराग कोष जो हो जाएगा यह द्विगुणित हो जाएगा 2n। और अंडा या डिम्ब मतलब जिसे हम लोग ओवम बोल सकते हैं, तो यह एक गुणित हो जाएगा, एक गुणित नहीं अगुणित, अगुणित। तो इसकी पोलरिटी n हो जाएगी। और जो परागकण है इसकी भी पोलरिटी n ही होगी, अगुणित, अगुणित। फिर इसके पश्चात अंग है नर युग्मक, इसकी भी पोलरिटी अगुणित हो जाएगी n। फिर युग्मनज, युग्मनज क्या होता है, जैसे यहाँ मेल गैमिट आया, इसकी पोलरिटी n, इसकी पोलरिटी n, दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करने के पश्चात जाइगोट, जाइगोट जिसे हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, तो इसकी पोलरिटी हो जाएगी 2n। तो गाइज, इसकी जो पोलरिटी होगी वह 2n, मतलब यह द्विगुणित होगा, यह द्विगुणित होगा। तो इसकी पोलरिटी 2n हो जाएगी। गाइज, इसकी पोलरिटी 2n कैसे होगी, क्योंकि जो मेल गैमिट आएगा वो फीमेल गैमिट, दोनों की पोलरिटी n n रहेगी। निषेचन की क्रिया के दौरान जो जाइगोट का निर्माण होगा उसकी पोलरिटी 2n हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो गाइज, और यह मतलब इसका द्विगुणित कैसे हुआ, इसका द्विगुणित, इसका अगुणित, इसका अगुणित, यह सब जो हम लोग इसका पूरा विवरण चैप्टर 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो हम लोग इन सब के बारे में चैप्टर 2 में बात करेंगे। इसके पश्चात गाइज, अब आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और नुकसान बताइए। बराहवा है बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, और नुकसान बताइए, और नुकसान बताइए। तो गाइज, आइए हम लोग इसमें लिखते हैं, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम लोग इसे हेडिंग वाइज से लिखेंगे, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। तो गाइज, बाह्य निषेचन क्या होता है, वह निषेचन जिसमें युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, जिसमें युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है। अब बाह्य माध्यम जल, वायु, ये सब हो जाएंगे, अधिकतर तो जल ही होता है, बाह्य माध्यम में होता है। गाइजिया है, जिसमें युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, जिसमें युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, इसमें माध्यम जल होता है। अब आइए हम लोग इसके नुकसान के बारे में जानते हैं, नुकसान। अब जैसे गाइज, यहाँ पर बाह्य माध्यम में हो रहा है ना, बाह्य माध्यम में, अब इसके नुकसान,
नुकसान में केवल दो ही नुकसान है, आइए हम लोग उन दोनों को जान जाएंगे। तो जो बाह्य माध्यम है उसमें युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में हो रहा है, जैसे जल में हो रहा है। अब युग्मनज का निर्माण जल में हुआ, कोई दूसरा जीव आया और उसको खा गया, या उसके चलने से जो युग्मनज है या जो जीव का निर्माण हो रहा है वह दब कर पानी में चला गया, जिससे वह नष्ट हो जाएगा। तो गाइस आइए लिखते हैं इसमें, जीव का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, जीव का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, बाह्य माध्यम में होता है, बाह्य माध्यम में होता है, जिससे जीव असुरक्षित रहता है, असुरक्षित रहता है, जिससे जीव असुरक्षित रहता है। अब गाइस असुरक्षित कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यह जल है ना, अब यह जल है, इसमें यहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर इतने गुच्छे लगे हैं, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब कोई दूसरा बाह्य जीव आया या फिर कोई सांप या कछुआ कुछ भी आया, इसको खा, अगर इसको खाने लायक होगा तो इसको खाकर इसे समाप्त कर देगा, या फिर अगर ये इसके ऊपर से गुजर गए तो यह पूर्णतः पानी में डूब जाएगा, पानी में डूबने के पश्चात जो अंडे रहेंगे वह तो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गाय बाह्य माध्यम में यह असुरक्षित रहता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे इसमें माध्यम जल है, यहाँ पर जल है, और जैसे यहाँ पर छोटे छोटे मेल गैमेट छोड़ दिया गया है और यहाँ पर फीमेल गैमेट हैं, अब इन दोनों को यहाँ पर जब तक ये पहुँचेंगे नहीं तब तक फ्यूज नहीं करेंगे, और जब यहाँ पर ये पहुँच जाएंगे फ्यूज कर लेंगे, फ्यूज करने के पश्चात तब ज़ायगोट का निर्माण होगा। अब जैसे मान लीजिए इन्हें यहाँ पहुँचना है, अगर जो जल की लहरें हैं अगर वो तेज आ गई तो इसे तो बहाकर इस साइड लेके चले जाएंगे, तो इसमें युग्मन जो इसमें गैमेट का है वह बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यह इधर चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा तब निषेचन होगा, और यहीं पर अगर यह लहरें ऊपर गई फिर नीचे गई धीरे धीरे, हो सकता है इसके यह भी संभावना हो सकती है, यह जो गैमेट है यह पानी में भी डूब सकता है। तो इसलिए बाह्य माध्यम में जीव जनन करते हैं तो वह पूर्णतः असुरक्षित होता है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं इसमें, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ताकि युग्मनज का निर्माण हो सके, युग्मनज का निर्माण हो सके। तो गाइज हम लोग इसके बारे में जान लिए, क्योंकि बाह्य माध्यम है, बाह्य माध्यम अधिकांश जल होता है, अधिकांश जल होता है। अगर जल में यहाँ पे मेल गैमेट है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमेट है, मान लीजिए एक में तो निषेचन हो गया, यहाँ पर जायगोट की अवस्था बन रही है, अगर कोई दूसरा जीव आया या तो इसे खा सकता है, या कोई बड़ा जीव आया इसके ऊपर से गुजर गया तो यह इसके नीचे जाकर दब सकता है और पानी में जाकर नष्ट हो सकता है। और अगर एक में निषेचन नहीं हुआ है, यहाँ पर जैसे ढेर सारे मेल गैमेट हैं, यहाँ पर फीमेल गैमेट हैं, यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर मेल है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल। अब मेल वाले को जब तक यह इसके पास जाएगा नहीं तब तक फ्यूज की क्रिया नहीं होगी। जब इसके पास जैसे जल है, जल की लहरें तेज उठी तो लहरें ऐसे चली जाएंगे, इसे ऊपर फेंक कर उस साइड लेके चली जा सकती हैं, या लहरें कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जिससे लहरें ऐसे ही आ जाएँ और इसे अंदर लेकर चली जाएँ, डूब जाएँ। तो इस प्रकार से जो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है वह बहुत असुरक्षित होती है। तो गाइस यह हम लोगों ने 11वां और 12वें क्वेश्चन को हल कर लिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है अब हम लोगों का, गाइस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13वां है, जो स्पोर तथा युग्मनज के बीच विभेद स्पष्ट करिए, जो स्पोर तथा युग्मनज के बीच विभेद स्पष्ट। 13वां क्वेश्चन, जो स्पोर तथा युग्मनज के बीच
युग्मनज के बीच विभेद अस्पष्ट करिए, विभेद अस्पष्ट करिए। तो आइए हम लोग इसके उत्तर को लिखते हैं। इसमें दो कॉलम बनाएंगे, पहला हो जाएगा जो स्पोर और दूसरा हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज तो गाजा, ये हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। अब गाजा ये जो स्पोर क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों का यह 13वां क्वेश्चन है। तो जो स्पोर यह अलैंगिक जनन में आता है, यह अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है। दूसरा, इसमें युग्मनज एक गुणित व त्रिगुणित होता है। तीसरा, इसमें द्विलिंगी जीव आते हैं, इसमें द्विलिंगी जीव आते हैं, द्विलिंगी, इसमें द्विलिंगी जीव आते हैं। इसमें जीवों का जनन सुरक्षित नहीं रहता, इसमें जीवों का जनन सुरक्षित नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता। और पांचवा, ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, सहायक नहीं होते हैं। और गाय जब हम लोग आइए इसमें लिखते हैं, यह लैंगिक है, लैंगिक। और दूसरा, इसमें युग्मनज हमेशा द्विगुणित, युग्मनज जो रहेगा हमेशा द्विगुणित होगा, हमेशा द्विगुणित, हमेशा द्विगुणित होगा। इसके पश्चात, इसमें द्विलिंगी जीव आते हैं, इसमें एक लिंगी जीव आएंगे, इसमें एक लिंगी जीव आएंगे। और इसमें जीवों का जनन सुरक्षित नहीं रहता, इसमें जनन सुरक्षित रहता है, जनन सुरक्षित रहता है, जनन सुरक्षित रहता है। और गाइस, इसमें है ये जैव विकास में सहायक नहीं होते, जैव विकास में सहायक होते हैं, ये जैव विकास में सहायक होते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर 60 लिखा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जाता है, आप लोग इसके माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अलैंगिक जनन है, यहाँ पर लैंगिक जनन है, यहाँ पर युग्मनज एक गुणित व त्रिगुणित होता है, इसमें युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। यहाँ पर इसमें द्विलिंगी जीव आते हैं, इसमें एक लिंगी जीव आते हैं, इसमें जीवों का जनन सुरक्षित नहीं होता है, इसमें जीवों का जनन सुरक्षित होता है, ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, ये जैव विकास में सहायक होते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से हम लोगों का 13वां क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो स्पोर को हम लोग जल विषाणु के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, हम लोगों का अब 13वां क्वेश्चन समाप्त हो गया है, अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, अब हम लोगों का 14वां क्वेश्चन है, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच, 14वां, युग्मक जनन, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव, और भ्रूणोद्भव
के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस आइए हम लोग इसमें दो कॉलम बनाते हैं, एक में हो जाएगा युग्मक जनन, दूसरे में हो जाएगा भ्रूण उद्भव। युग्मक जनन दूसरा हो जाएगा भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव। तो गाइस इसमें आइए हम लोग पहला लिखते हैं, जो युग्मक जनन होता है मतलब युग्मकों का जनन। युग्मक क्या है, जैसे नर में शुक्राणु है, मादा में अंडाणु, तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं युग्मक जनन का, ये निषेचन के पहले की घटनाएं, अंडाणु शुक्राणु ये सब निषेचन के पहले की घटनाएं। निषेचन के पश्च की घटना भ्रूण का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग इसमें लिखते हैं यह निषेचन पूर्व परिघटना है, यह निषेचन पूर्व परिघटना है, पूर्व परिघटना है, पूर्व परिघटना है, यह निषेचन पश्च परिघटना है, यह निषेचन पश्च परिघटना है, पश्च परिघटना है। और दूसरा, युग्मक जनन में दो अलग अलग जीव की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि युग्मक जनन में पहले परिघटना है युग्मक जनन, तो इसमें जो नर भाग होगा वह दूसरे जीव में होगा, मादा भाग दूसरे जीव में होगा, तो दोनों को फ्यूज करेंगे तब इसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होगा। तो इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, या इसमें जनन अलग अलग जीवों में होता है। दूसरा इसका हो गया, इसमें जनन अलग अलग जीवों में होता है, इसमें जनन के लिए अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है। जीवों की आवश्यकता होती है, जीवों की आवश्यकता होती है। और इसमें जनन मादा के गर्भाशय में होता है, इसमें जनन मादा के गर्भाशय में होता है, मादा के गर्भाशय में होता है, मादा के गर्भाशय में होता है, में होता है। गाय जी हो गया हम लोगों का दूसरा। अब इसमें हम लोग तीसरा लिखते हैं, इसमें युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया पूर्ण करते हैं, निषेचन की क्रिया पूर्ण करते हैं, और गाइस इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, इसमें निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और गाइस जिसमें चौथा है, इसमें समसूत्री अर्धविभाजन अनुपस्थित रहता है, चौथा इसमें चौथा है, इसमें समसूत्री अर्धविभाजन, इसमें समसूत्री अर्धविभाजन अनुपस्थित रहता है, अर्धविभाजन अनुपस्थित रहता है,
अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है और इसमें और गाइज इसमें उपस्थित रहता है। गाइज क्या उपस्थित रहता है? समसूत्री अर्ध विभाजन। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का, इसमें चार अंतर हो गया। पहला यह निषेचन के पूर्व की परिघटना है और भ्रूणोद्भव भ्रूण का निर्माण या निषेचन के पश्च की परिघटना है। इसमें जनन के लिए अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें जनन मादा के गर्भाशय में होता है। और तीसरा इसमें युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं और इसमें निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात चौथा इसमें समसूत्री अर्ध विभाजन अनुपस्थित रहता है और इसमें समसूत्री अर्ध विभाजन उपस्थित रहता है। और गाइज पांचवा एक और हो सकता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइस यह हो गया इसमें हम लोगों का पांच जो है डिफरेंशिएशन, मतलब पांच डिफरेंट विभिन्नताएं। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच का अंतर। युग्मक जनन में युग्मकों का जनन होता है, यह निषेचन के पूर्व की परिघटना है। इसमें निषेचन के जैसे में युग्मक में क्या हो जाएगा, जैसे अंडाणु हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, पुष्प में पराग्रह हो जाएगा, मादाओं में वर्तिकाग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार की परिघटनाएं ये सब निषेचन के पूर्व की परिघटनाएं और निषेचन के पश्च की परिघटना भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूणोद्भव कहलाएगा। और दूसरा इसमें इस प्रकार का अंतर है, इसमें आप लोग जान गए हैं। अब इसके पश्चात हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो गाइस जाइए हम लोग 15वें क्वेश्चन को लिखते हैं, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। 15वां क्वेश्चन, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। व्याख्या करें। तो गाइज हम लोगों का यह 15वां क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो गाइज निषेचन पुष्प में कैसे होता है, परागण के द्वारा या परागण की क्रिया के द्वारा पुष्प में निषेचन होगा। किसी दूसरे पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगा। तो गाइज जब इसमें पूछ रहे हैं निषेचन पश्च, मतलब निषेचन के पश्चात किसका किसका निर्माण होगा, तो गाइज निषेचन के पश्चात पहला तो युग्मनज का निर्माण होगा। इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं, उत्तर तो गाइस इसमें पहले युग्मनज का निर्माण होगा, पहला युग्मनज। तो गाइस आइए हम लोग युग्मनज के बारे में लिखते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक निषेचन करके
युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और दूसरा गाइज, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, भ्रूणपोष युग्मनज के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, नहीं युग्मनज के द्वारा, हाँ युग्मनज के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा। फिर भ्रूणपोष का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। और तीसरा इसमें है फल का निर्माण होगा, जो खाने योग्य होता है फल। तो गाइस आइए हम लोग इसमें लिखते हैं, बीजांड का है, फल का निर्माण करेगा, बीजांड काय फल का निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। बीजांड काय फल का निर्माण करेगा। चौथा हो जाएगा बीज, तो बीज का निर्माण करेगा बीजांड, बीजांड के अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय के गर्भीय गुहा में उपस्थित, अंडाशय के गर्भीय गुहा में उपस्थित, गुहा में उपस्थित छोटे छोटे अंडक, छोटे छोटे अंडक बीज का निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे। बीज का निर्माण करेंगे। फिर गाइस पांचवा, फल भित्ति, फल भित्ति तो बाह्य आवरण फल भित्ति का निर्माण कर देगा, बाह्य आवरण फल भित्ति का निर्माण करेगा। फल भित्ति का निर्माण करेगा। तो गाइस यह है निषेचन पश परिवर्तन की परिघटना, इसमें छठवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका वर्तिकाग्र, वर्तिका में वर्तिकाग्र जो रहेगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार से वर्तिका भी सूख कर नष्ट हो जाएंगे, सूख कर नष्ट हो जाएगा। यहां पर भी गाइज होगा सूख कर नष्ट हो जाएगा, सूख कर नष्ट हो जाएगा। तो गाइज यह सब हो गया किसी भी पुष्प में निषेचन पश परिवर्तन की व्याख्या। तो पहला नर युग्मक व मादा युग्मक निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करेंगे, दूसरा युग्मनज के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, फिर भ्रूण वृद्धि व विकास करके भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। या भ्रूणपोष क्या होता है, जो जैसे बीज का निर्माण हो गया, भ्रूणपोष बीज में पाया जाता है, जब हम लोग बीज की रोपाई करेंगे तो बीज अपने
अनुकूल वातावरण पाकर जमीन से पानी को पाकर और भ्रूणपोष से पोषण को पाकर वह एक नए पादप का निर्माण करेगा। तो गाइस भ्रूणपोष बीज में पाया जाएगा। फिर तीसरा फल बीजांडकाय फल का निर्माण करेगा। जो हम लोग खाते हैं फल में वह होता है उसका अंडाशय का भाग। इसके पश्चात बीज बीजांड के अंडाशय के गर्भी गुहा में उपस्थित अंडक छोटे छोटे जो होते हैं वो बीज का निर्माण करेंगे। फिर जब हम लोग बीज की रोपाई करेंगे तो वह अपने अनुकूल वातावरण पाकर एक नए पादप का निर्माण करेगा। फिर इसके पश्चात है फल भित्ति बाह्य आवरण फल भित्ति का निर्माण करेगा और जो वर्तिकाग्र व वर्तिका है यह प्रायः सूखकर नष्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये हम लोग पढ़ लिए एक पुष्प में निषेचन पश परिवर्तन की व्याख्या। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाय जब जो हम लोगों का 16वां क्वेश्चन है वह है एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है 16वां, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है और अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करें। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्प को एकत्रित करें। पुष्प को एकत्रित करें फिर इसके पश्चात गाइस और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम का पता करें। और सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम शिक्षक की सहायता से सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम का पता करें। सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम का पता करें। तो बस गाइस यहीं तक। तो हम लोग 5 पुष्प का नाम लिखेंगे। पहले गाइस ये जानते हैं एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। एक द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प है जिसमें नर भाग व मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएं तो उसे हम लोग एक द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो गाइस एक द्विलिंगी पुष्प ऐसे समझ लीजिए, एक द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प है जिसमें नर भाग व मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाए तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पुष्पी पादप। तो गाइस जब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम का पता करें। तो गाइस इसमें पहला हो जाएगा गुड़हल, कमल, चंपा, कनेल, गेंदा। गाइज ये है हम लोगों का दो द्विलिंगी पुष्प ये है, ये हम लोगों का है उत्तर। और गाय द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, वे पुष्प जिसमें नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र दोनों एक ही पुष्प में पाए जाए उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब गाइज इसके सामान्य नाम, तो गुड़हल का सामान्य नाम गुड़हल ही होगा और इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस। और गाइज जो इसमें दूसरा इसका स्थानीय नाम या सामान्य नाम कमल ही होगा और इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन
न्यूसीफेरा गार्टन, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर इसके पश्चात गाइस चंपा है, चंपा का सामान्य नाम चंपा ही होगा, वैज्ञानिक नाम मिशेल चंपा का, मिशेल चंपा का, मिशेल चंपा का। फिर इसके बाद गाइस है कनेल, इसका सामान्य नाम कनेल होगा, वैज्ञानिक नाम नेरियम ओलेअंडर, नेरियम ओलेअंडर, ओलेअंडर। और जो गेंदा होगा इसका सामान्य नाम गेंदा ही होगा, वैज्ञानिक नाम रोजा, गेंदा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गाइज रोजा। तो गाइज यहाँ पर हम लोग इतने गेंदा टैजेट्स स्पीसीज, गाइज गेंदा का होगा टैजेट्स स्पीसीज, टैजेट्स स्पीसीज, स्पीसीज। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का पांच द्विलिंगी पुष्प, इनका सामान्य नाम जैसे पांच द्विलिंगी पुष्प गुड़हल कमल चंपा कनेल गेंदा, गुड़हल का सामान्य नाम गुड़हल, इसका भी कमल, इसका चंपा, इसका कनेल, इसका गेंदा। फिर इसके पश्चात गाइज गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, कमल का निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, चंपा का मिशेल चंपा का, कनेल का नेरियम ओलेअंडर, इसके पश्चात गेंदा का टैजेट्स स्पीसीज। तो गाइज अब हम लोगों का 16वां क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, किसी भी कुकरबीट पादप के पुष्पों की जांच करें। 17वां क्वेश्चन, किसी भी कुकरबीट पादप के पुष्पों की जांच करें, किसी भी कुकरबीट, कुकरबीट पादप के पुष्पों की जांच करें, पादप के पुष्पों की जांच करें, जांच करें। फिर और पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें, और पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें, पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें, कोशिश करें। एक अन्य एकलिंगी पौधे के नाम को जानते हैं, क्या अन्य एकलिंगी पौधे के नाम को जानते हैं, क्या अन्य एकलिंगी पौधे के नाम को जानते हैं, तो गाइस जाइए हम लोग इसके उत्तर को लिखते हैं, उत्तर वे पादप जिसमें नर भाग व मादा भाग दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाएं, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाएं, पादपों में
पाए जाए तो उसे कुकर बीट पादप कहते हैं, उसे कुकर बीट पादप कहते हैं, पादप कहते हैं। तो गाइज कुकर बीट पादप किसे कहते हैं, वे पादप जिसमें नर भाग व मादा भाग दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाए तो उसे हम लोग कुकर बीट पादप कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग केसरी तथा स्त्री केसरी पुष्पों की पहचानने की कोशिश करें। तो गाइज जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता का पुष्प, पपीता का पुष्प गाइज या पुंग केसरी व स्त्री केसरी दोनों हो सकता है, पुंग केसरी व स्त्री केसरी दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है क्यों गाइज, क्योंकि जो पपीता होता है इसमें पुंकेसर व स्त्री केसर मतलब इसके जो पुष्प होते हैं वो पुंकेसरी स्त्री केसरी दोनों हो सकते हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, जैसे कोई पपीता का पेड़ है अगर वह फल दे रहा है तो वह स्त्री केसरी है, और अगर वह फल नहीं दे रहा है तो वह पुंकेसरी है। गाइज यह इसका पहचानने का तरीका, अगर कोई भी पपीता का पादप है पेड़ है अगर उसमें में से फल उत्पन्न हो रहे हैं तो वह स्त्री केसरी है, अगर फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो वह पुंकेसरी है। तो गाइज यह हो गया इसका दूसरा आंसर। फिर इसके पश्चात एक अन्य एक लिंगी पौधे के नाम को जानते हैं, क्या आप एक अन्य लिंगी पौधे को नाम को जानते हैं? तो गाइज हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक लिंगी पौधे का नाम हो जाएगा मक्का बाजरा, मक्का बाजरा आदि। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का 17वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है 18वां, अंडप्रजक प्राणियों के संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? तो गाइस आइए हम लोग इसे साफ करते हैं फिर 18वें क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो गाइस 18वां क्वेश्चन है, अंडप्रजक प्राणियों के संतानों का उत्तर जीवन, अंडप्रजक प्राणियों के संतानों का उत्तर जीवन, प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन, संतानों का उत्तर जीवन, उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? अधिक जोखिम युक्त, अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, क्यों होता है? व्याख्या करें, तो गाइस यहां पे लिखा है अंडप्रजक प्राणी, वे प्राणी जिनका निर्माण अंडों के द्वारा होता है उसे हम लोग अंडप्रजक प्राणी कहते हैं।
फिर इसके पश्चात सजीव प्रजग, वे प्राणी जिनका निर्माण मादा के गर्भाशय में होता है उसे हम लोग सजीव प्रजग प्राणी कहते हैं। तो गाइस जब क्वेश्चन है अंड प्रजग प्राणियों के संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजग प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो अंड प्रजग प्राणी होते हैं इनका निर्माण बाह्य माध्यम में होता है तथा इनका निर्माण अंडे में होता है। जो अंडा होता है उसमें इनके पोषण के लिए मतलब जो अंडा होता है उसमें इनका पोषण उपस्थित रहता है। अंडों के द्वारा ये पोषण पाकर वृद्धि व विकास करते हैं तथा बाह्य माध्यम में होने के कारण ये अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं, मतलब ये जरा सा भी सुरक्षित नहीं होते हैं। और जो सजीव प्रजग प्राणी होते हैं इनका निर्माण मादा के गर्भाशय में होता है, इनमें उपस्थित पोषक जो इनमें पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है उन्हें मादा के गर्भाशय में अपरा के द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा मिलती रहती है और ये अत्यधिक सुरक्षित होते हैं। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं उत्तर, सभी अंड प्रजग प्राणियों का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, बाह्य माध्यम में होता है जिसके कारण ये असुरक्षित होते हैं। सभी अंडजग प्राणियों का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है जिसके कारण ये असुरक्षित होते हैं तथा इन्हें आवश्यक पोषक पदार्थ अंडों में उपस्थित होते हैं। जिसके द्वारा ये पोषण पाकर वृद्धि व विकास करते हैं। यह हो गया गाइस हम लोगों का अंड प्रजग प्राणियों का जीवन। अब हम लोग सजीव प्रजग प्राणियों को लिखेंगे। तो सभी सजीव प्रजग प्राणियों का निर्माण मादा के गर्भाशय में होता है। जिसके कारण ये अत्यधिक सुरक्षित होते हैं। जिसके कारण ये अत्यधिक सुरक्षित होते हैं तथा इन्हें आवश्यक पोषक पदार्थ
मादा के गर्भाशय में अपरा के द्वारा मिलता है। अपरा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, अपरा के द्वारा मिलता है, के द्वारा मिलता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का अंडप्रजक प्राणियों का जीवन काल और सजीव प्रजक प्राणियों का जीवन काल। तो अंडप्रजक प्राणियों का निर्माण वायुमाध्यम में होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक सुरक्षित नहीं होते हैं और इन्हें आवश्यक पोषक पदार्थ अंडों में उपस्थित पोषक के द्वारा मिलता है और ये उसे पाकर वृद्धि व विकास करते हैं। गाय जैसे मान लीजिए यह जल है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेढक का ही है, मेढक का यहाँ पर ढेर सारे असंख्य संख्या में छोटे 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 अंडब दे दिए हैं, यहाँ पर छोटे 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 अंडब हैं ना। अब मान लीजिए यह अंडे हैं, जो अंडे धीरे धीरे वृद्धि व विकास कर रहे हैं। अब ये वायु माध्यम में कोई बड़ा जीव जैसे सांप आ गया, इन्हें पूर्ण तक खा डालेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। और अगर लहरों के इधर उधर होने के वजह से ये अगर पानी में गए तो पानी में दबने के वजह से भी ये नष्ट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए पानी में ये चले गए थे तो पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, कोई सांप हो पाया कोई दूसरा जीव आया खा गया इन्हें तो नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई बड़ा जीव आया अगर इनके ऊपर से गुजर गया तब पर भी ये कुछ अंडे आपस में फूट कर ही नष्ट हो जाएंगे तथा कुछ पानी के अंदर चले जाने से नष्ट हो जाएंगे। और जो सजीव प्रजक प्राणी होते हैं ये मादा के गर्भाशय में पाए जाते हैं, ये अत्यधिक सुरक्षित होते हैं तथा इन्हें जो आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति जो होती है वह मादा के गर्भाशय में प्लेसेंटा अपरा के द्वारा होता है तथा इनमें यदि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसका जांच कराकर उसका सही तरीके से इलाज भी करा सकते हैं। तो गाइस यह होता है सजीव प्रजक व अंडप्रजक प्राणियों में अंतर। अंडप्रजक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनका निर्माण अंडों के द्वारा होता है, सजीव प्रजक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनका निर्माण मादा के गर्भाशय में होता है, उसे हम लोग सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। तो गाइस आज हम लोगों का जो पूरा बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जीवों में जनन, पूरा हम लोगों का लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के चरण, अलैंगिक जनन के चरण, द्विलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प, इसके साथ साथ पूरे जो 18वें क्वेश्चन है टोटली उन लोगों का हल हो चुका है, पूरा 18वां क्वेश्चन हल हो गया है। तो गाइस अगर आपको पूरा समझ में आया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे गाइस क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह चैप्टर 2 होगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।